नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पुणे पोर्स केस में भयानक खुलासा। नाबालिग को बचाने के लिए डॉक्टरों ने डस्टबिन में फेंक दिया था ब्लड सैंपल, अब क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। हादसे वाले दिन आरोपी नाबालिग आरोपी का मेडिकल टेस्ट के लिए ससून अस्पताल ले जाया गया था। यहाँ से मिली प्रारंभिक रिपोर्ट में ब्लड एल्कोहल नहीं होने की बात लिखी गई थी, इस पर संदेह हुआ था। महाराष्ट्र के पुणे में नाबालिग द्वारा अपनी लग्जरी कार से दो लोगों की कुचल कर हत्या के मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है। पुणे क्राइम ब्रांच ने दो डॉक्टरों को गिरफ्तार किया था, जिन पर आरोप है कि उन्होंने नाबालिग को बचाने के लिए उनकी ब्लड रिपोर्ट में हेराफेरी की। पुणे पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने सोमवार को दावा किया कि ससून जनरल अस्पताल के डॉक्टरों ने आरोपी नाबालिग का ब्लड सैंपल लिया था, लेकिन उसे बचाने के लिए सैंपल बदल दिया गया और नाबालिग का सैंपल कूड़ेदान में फेंक दिया गया। बता दें कि हादसे वाले दिन आरोपी नाबालिग को मेडिकल टेस्ट के लिए ससून अस्पताल ले जाया गया था। यहां से मिली प्रारंभिक रिपोर्ट में ब्लड के एल्कोहल नहीं होने की बात लिखी गई थी, इस पर संदेह हुआ था। पुलिस ने केस में जांच तेज कर दी। आरोपी नाबालिग के पिता और दादा को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। दादा पर आरोप है कि उन्होंने किसी अन्य ड्राइवर को आरोप अपने सिर पर लेने के लिए तैयार किया था। यह मामला उस समय देश में चर्चा में आया था जब हादसे के बाद नाबालिग को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से कोर्ट ने उसे ट्रैफिक नियमों पर 300 शब्दों का निबंध लिखने और कुछ दिन ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने की सजा सुनाई थी। देश में हल्ला मचा तो पुलिस और सरकार हरकत में आई और अब कार्रवाई तेज हो गई। लगातार खबरों पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द हेडलाइंस न्यू।